अचीवर्स आईक्यू एजुकेशन की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 17 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। आप चाहें तो इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। और आज का पहला प्रश्न है, सहिष्णुता पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 14 नवंबर या 16 नवंबर या 15 नवंबर या 13 नवंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 16 नवंबर। अगला प्रश्न है, महिला बिग बैश लीग में 100 विकेट लेने वाली प्रथम गेंदबाज कौन बनी है? हमारे ऑप्शन है पूनम यादव या दीप्ति शर्मा या सोफी डिवाइन या मॉली स्ट्रानो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मॉली स्ट्रानो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? हमारे ऑप्शन है सेबेस्टियन वेटल या माइकल सुमाकर या माइकल विटल या लुइस हैमिल्टन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न है, कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा या जितेंद्र सिंह या डॉक्टर हर्षवर्धन या नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। अगला प्रश्न है, किस उद्देश्य के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंट्रल द्वारा इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम विकसित किया गया है? हमारे ऑप्शन है बिजली ट्रांसमिशन की त्वरित पुनर्प्राप्ति या ट्रांसमिशन की त्वरित पुनर्प्राप्ति या सड़कों की त्वरित पुनर्प्राप्ति या रोड ट्रांसमिशन में त्वरित पुनर्प्राप्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिजली ट्रांसमिशन की त्वरित पुनर्प्राप्ति। अगला प्रश्न है, 15वें एशिया प्रशांत देशों ने किस देश के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन है इंडोनेशिया या बांग्लादेश या चाइना या रसिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। अगला प्रश्न है, 16 नवंबर भारत में प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रेस दिवस या राष्ट्रीय कैलजोन दिवस या राष्ट्रीय लेखक दिवस या नेशनल हाउसवाइफ डे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन किस संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है? हमारे ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या यूनेस्को या आईकॉम या यूनिसेफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनेस्को। अगला प्रश्न है, 8वें ब्रिक्स सम्मेलन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं का समर्थन करने के लिए भारत द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? हमारे ऑप्शन है वुमेन इन पावर या नारी पावर या सर्व पावर या प्रमोट वुमेन साइंटिस्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्व पावर। अगला प्रश्न है, किस संगठन को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ? हमारे ऑप्शन है WHO या यूनिसेफ या हेल्प एज या यूनेस्को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेल्प एज। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ भारतीय लघु फिल्म महोत्सव में 2020 के लिए किस फिल्म ने पुरस्कार जीता? हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 15 या गुली बॉय या नटखट या वॉर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नटखट। अगला प्रश्न है, विश्व निमोनिया दिवस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने किस राज्य में सांस अभियान शुरू किया? हमारे ऑप्शन है बिहार या महाराष्ट्र या केरल या उड़ीसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए दुनिया का पहला ट्राम पुस्तकालय किस राज्य में शुरू किया गया है? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश या बिहार या केरल या पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? हमारे ऑप्शन है 27 या 37 या 41 या 48। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 41। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण प्रयासों के लिए किस जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का पुरस्कार 2019 मिला? हमारे ऑप्शन है माहे या कच्छ या क्राइकल या कडपा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कडपा। अगला प्रश्न है, क्लाइग्नर करुणानिधि नाश्ता योजना 2020 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है?
हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश या पुडुचेरी या केरल या गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुडुचेरी। यदि आपको अचीवर्स आईक्यू के द्वारा दी गई जानकारियाँ यूजफुल लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।